अगर आपका भी ईपीएफओ अकाउंट है और आप बैलेंस चेक करना नहीं जानते कि आपका टोटल बैलेंस कितना हो चुका है, तो आज का वीडियो आप सबके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आप सभी को ऐसे चार तरीके बताने वाला हूं जिनसे आप घर बैठे ही बैलेंस चेक कर सकते हैं, वो भी आसानी से अपने स्मार्टफोन में। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में जानते हैं कि किस तरीके से अपने स्मार्टफोन से आप बैलेंस चेक कर सकते हैं अपना ईपीएफओ अकाउंट का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं टेक हेल्प फॉर सूरज यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा के ऑल बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो या किसी तरह का टिप्स ट्रिक्स ऑफर की जानकारी मैं लेके आप वो आप सभी तक बिना रुकावट के जल्द से जल्द पहुंच सके दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे सभी सोशल मीडिया लिंक से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप सभी को वहाँ पे हमारे सभी सोशल मीडिया लिंक मिल जाएंगे। आप वहाँ जाकर हमारे सभी सोशल मीडिया लिंक से जुड़ सकते हैं और हमारे सभी वीडियो को प्ले स्टोर में जाकर वीडियो देख के कुछ नया जानकारी ले सकते हैं। और आप सभी को एक और नया जानकारी बताना चाहता हूँ दोस्तों, यूट्यूब की तरफ से हमारे को ज्वाइन बटन दे दिया गया है, आप जाके हमारे चैनल पे मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल का प्राइम मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया जानते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल बनाएं, साथ ही हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आप आगे आने वाली वीडियो का भी इसी तरह लुत्फ उठाते रहें। एसएमएस के जरिए आप कैसे चेक कर सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके ईपीएफ अकाउंट में लेटेस्ट योगदान कितना है, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए जो कि स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई दे रहा है। इसी नंबर पे आपको एक एसएमएस भेजना होगा, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा, ईपीएफओ एचओ UANENG, ये सभी आपको कैपिटल लेटर में टाइप करना है। इस मैसेज के जरिए आप रजिस्टर मोबाइल नंबर पर इंग्लिश भाषा में ईपीएफओ अकाउंट में जो आपका बैलेंस है उसका जानकारी आप ले सकते हैं। अगर आप यही मैसेज हिंदी में चाहते हैं तो आपको ईपीएफओ एचओ UANHIN लिखकर भेज देना होगा। एसएमएस भेजने की ये सर्विस पंजाबी, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और बंगाली भाषा में भी मौजूद है। एक दूसरा तरीका भी मैं आप सभी को बता दूं जो कि मिस्ड कॉल से होता है। मिस्ड कॉल से आपको बैलेंस जानने के लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आपको अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल देना होगा। ईपीएफओ से आपको एक संदेश भेजा जाएगा जिसमें आपके अपने ईपीएफ खाते की जानकारी मिल जाएगा। सब्सक्राइबर के लिए ये सर्विस बिल्कुल फ्री है, इसके लिए उन्हें कोई पैसा देना नहीं होता है। तीसरा तरीका मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, आप उमंग ऐप से भी बैलेंस चेक कर सकते हैं। आप गूगल के प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लीजिए। ईपीएफओ के ऐप उमंग के जरिए भी आप अकाउंट का बैलेंस जान सकते हैं। इसके लिए ऐप में मौजूद ईपीएफओ में जाएं, फिर एम्प्लॉय सेंट्रिक सर्विस पर क्लिक करें, फिर व्यू पासबुक को चुनें और पासबुक को देखने के लिए यूएएन से लॉग इन करें। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो सबसे पहले इस ऐप को, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रजिस्टर कर लें। अब मैं चौथा तरीका बताता हूँ वेबसाइट के जरिए कैसे चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट जो कि आप सभी को लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ईपीएफओ.gov.in पर जाकर भी आप अपने पीएफ अकाउंट का पूरा जानकारी ले सकते हैं। होम पेज पर ही आपको ईपीएफ पासबुक पोर्टल दिख जाएगा, यहाँ पर आपको यूएएन नंबर और पासवर्ड से लॉग इन कर लेना है और फिर आपको डाउनलोड और व्यू पासबुक का ऑप्शन वहां पर देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करके आपका जो पासबुक है उसका डिटेल डाउनलोड हो जाएगा। आप आसानी से फिर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं डाउनलोड किया हुआ फॉर्मेट में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को जानकारी अच्छा लगा होगा, आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप दोस्तों कुछ आसान स्टेप्स का पालन करके आप अपना घर बैठे अपने स्मार्टफोन से अपने मोबाइल से आप चेक कर सकते हैं अपना ईपीएफओ बैलेंस। बस ध्यान कुछ बातों का रखना है जो कि मैंने आपको इसमें क्लियर कर दिया है वीडियो में, तो इसलिए वीडियो को प्लीज स्किप करके मत देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चारों तरीका मैंने आप सभी को समझा के बताया है, बाकी की डिटेल आप सभी को वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा के ऑल बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो या किसी भी तरह का टिप्स ट्रिक्स ऑफर की जानकारी मैं लेके आऊँ वो आप सभी तक बिना रुकावट के पहुँच सके जल्द से जल्द। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।